नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सिखों की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बात भी और बंदी सिंघों की रिहाई को लेकर पूरे शहर में रोस मार्च निकाला गया। उन्होंने सिंघों के साथ हो रही बेइंसाफी को बंद करने के लिए कहा। सिखों की ओर से भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरसे वाले राम रहीम को तोपरलों से दे दी है, जबकि दसवीं और बलवंत सिंह राजुआना को उनके पिता की मौत पर एक दिन की परलो दी गई। उन्होंने सरकार को सिखों के साथ हो रही बेइंसाफी को बंद करने को कहा। उन्होंने सरकार पे दोष लगाते हुए कहा कि ना तो सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बादबी का मामला हल किया और ना ही बंदी सिंघों का रेही का कोई हाल कर रही है। सिखों ने कहा कि हम बंदी सिंघों की रिहा के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। अगर सरकार ना मानी से संघर्ष करो और तेज करेंगे। गुरजीत सिंह भगत भाई की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। अज का जोड़ा रोस मार्च है, ये बंदी सिंह की रिहाई बारे रखा गया से कि जोड़े बंदी सिंह रिहा होने चाहिए, परौलों मिलनी चाहिए, जो सज़ा कट रहे उन्होंने सिंह परौल मिलनिया चाहिए। देखो सरसे वाला जोड़ा साध है, जेडे तो बलात्कार के गुंडागर्दी के दोष लगे हुए कतल के, उन्होंने इन्होंने परौल देती है। पर एक पास जथेदार दुबारा जोड़ा कौम वालों थापया गया जथेदार है, उन्होंने परौल नहीं मिल रही। तो देखो जोड़ा सरसे वाला है, उन्हें पिछली बार इलेक्शन के बंब धमाके का भी उन्होंने दोष है, वो जो बंद उन्होंने तो यह फरलो दे रहे आ, परौल दे रहे आ। पर दूजे जोड़े सिंह है, देखो जिमें अपना बलवंत सिंह राजुआना जी आए, उन्होंने प्यो के मौत एक दिन की परौल दी, कि उन्होंने 21 दिन की परौल नहीं दे सकते। ये जोड़े बेइंसाफी के मसले, इन्हों लैके असी लड़ते रहेंगे, होर अगे अं संघर्ष में जे ना सरकार मनिया असं होर तेज़ करा। तो ये सारिया ही पार्टियां जीडिया आर एस एस दोली चुक पार्टियां, उन्होंने थापिया हुई पार्टियां, तो इन्हों असी शिकायत देंदे रहेंगे, हरेक खान रोकते रहेंगे। तो सरदार सिमरजीत सिंह मान की सपोर्ट असी करो, असी उन्होंने नाल डट के उन्होंने पैरा देवे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।